हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम। सबसे पहले क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम किसको कहते हैं? देखो, इस तरह के सिस्टम में जो भी तुम्हारा आउटपुट में चेंज आता है, ओके, उसको हम एक फीडबैक के थ्रू मेज़र करते हैं विथ इनपुट, या कंपेयर करते हैं विथ इनपुट और सेट पॉइंट। मान लो यहाँ पे जैसे एक एग्ज़ाम्पल लिए हैं, एक वाटर टैंक लिए हैं, और इसमें काम क्या है कि ये एक इस वाटर को हाइट एच पे मेंटेन रखेगा। सो यहाँ पे एक फ्लोटिंग बॉल है जो क्या कर रहा है, इस वाटर के लेवल को मेज़र कर रहा है। तो हम कोई सेट पॉइंट यहाँ पर सेट कर देते हैं, कि अगर इस पॉइंट पे आएगा तो मेरा हाइट मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग बॉल क्या कर रहा है, ये वाटर के लेवल को मेज़र कर रहा है। तो जो भी एरर जनरेट होगा तुम्हारे सेट पॉइंट और आउटपुट से, ये फ्लोटिंग बॉल सपोज़ करो नीचे आ गया, तो तुम्हारा आउटपुट, ये आउटपुट तुम्हारे ऑटोमेटिक कंट्रोलर को देगा। ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर है, ठीक है, तो ये आउटपुट ऑटोमेटिक कंट्रोलर को देगा। ऑटोमेटिक कंट्रोलर इस आउटपुट को इस सेट पॉइंट से कंपेयर करेगा और एरर जनरेट करेगा, और फिर उस एरर के अकॉर्डिंग वो फिर से आउटपुट क्रिएट करेगा, ताकि एक ऑब्जेक्टिव जो है तुम्हारा इस हाइट पे पानी मेंटेन रहना चाहिए वो अचीव कर सके। ये तुम्हारा इनलेट है, ये आउटलेट, ठीक है। तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द चेंज इन आउटपुट आर मेजर्ड थ्रू फीडबैक विथ इनपुट और सेट पॉइंट। To achieve the control objective. Okay, so यहाँ पे feedback क्या दे रहा है, ये feedback दे रहा है, ठीक है, और ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या कर रहा है, इस फीडबैक को इस सेट पॉइंट से कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करके एक एरर जनरेट कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। सपोज़ करो तुम्हारा आउटपुट अभी वाटर का लेवल कम हो गया, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, इनलेट को स्टार्ट कर देना चाहिए। आउटपुट अगर तुम्हारा बता रहा है कि वाटर का लेवल सेट पॉइंट से ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, इस बल्ब को कंट्रोल करेगा और आउटलेट के ज़रिए बाकी रिमेनिंग पानी एग्जिट कर देगा। सो ये कंट्रोल सिस्टम हो गया। यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग बॉल है वो एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। ऑटोमेटिक कंट्रोलर एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिकल पल्स को रीड करेगा, और यहाँ पे जो तुम्हारा फ्लोटिंग बॉल है वो कैसा है, एक मैकेनिकल सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो उस मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करने का काम सेंसर करेगा, या तो ट्रांसड्यूसर करेगा। तो यहाँ पे फीडबैक जो है वो या तो कोई सेंसर हो सकता है या ट्रांसड्यूसर हो सकता है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा। नाउ यहाँ पे जो इनपुट है दैट इज सेट पॉइंट, और इसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, ओके, इस इनपुट को हम एक कंपैरेटर में दे रहे हैं, और इस कंपैरेटर से हम दे रहे हैं ऑटोमेटिक कंट्रोलर में, ठीक है, और इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर से हम एक कंट्रोल यूनिट में देंगे जो मेरा आउटपुट को कंट्रोल करेगा। और फिर इस कंट्रोल यूनिट से हम प्लांट टैंक का इनपुट या आउटपुट को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और ये जाके तुम्हारा एक आउटपुट देगा। इस आउटपुट को हम ट्रांसड्यूसर मेजरमेंट लेवल कह लो,
या ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम कंपैरेटर में देते हैं। तो कंपैरेटर क्या करता है, इस इनपुट को इस आउटपुट से कंपेयर करेगा, ओके। और इस कंपैरिजन के बाद जो भी तुम्हारा सिग्नल जनरेट होगा वो तुम्हारा एरर सिग्नल जनरेट होगा। उस एरर सिग्नल को तुम ऑटोमेटिक कंट्रोलर में दोगे, वो तुम्हारा एक आउटपुट देगा, और ये आउटपुट तुम्हारा कंट्रोल यूनिट में जाएगा जो तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर किसको दे रहा है आउटपुट, पी ऑफ एस इस बल्ब को दे रहा है। तो ये तुम्हारा बल्ब क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया। सो ये कंट्रोल यूनिट अब प्लांट के टैंक के इनपुट या आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बल्ब कंट्रोल हो रहा है, तो आउटलेट मेरा एक्टिव हो जा रहा है। नाउ ये प्लांट का आउटपुट को कंट्रोल कर, आउटपुट को हैंडल कर रहा है, वाटर को एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा आउटपुट है, जो मेरा रिक्वायर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस पानी को हाइट पे मेंटेन रखना है, ये तुम्हारा रियल आउटपुट है। सो ये रियल आउटपुट फिर तुम फीडबैक के थ्रू एक ट्रांसड्यूसर के जरिए फिर कंपैरेटर में दे रहे हो, ठीक है। ये फीडबैक तुम्हारा एक कंपैरेटर में जा रहा है, और फिर वो कंपैरेटर एक एरर सिग्नल जनरेट कर रहा है जो तुम्हारा ऑटोमेटिक कंट्रोलर में जाएगा। तो ये तुम्हारा एक फीडबैक सिस्टम हो गया। इस फीडबैक सिस्टम को हम इसमें एच ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फॉरवर्ड पाथ को हम जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल सी कंट्रोल कैनोनिकल फॉर्म, ओके। सो इसमें मेरा इनपुट क्या है, इस डायग्राम में मेरा इनपुट क्या है, आर ऑफ एस, आर ऑफ एस, एंड फॉरवर्ड पाथ हम क्या लिए हैं, जी ऑफ एस, जी ऑफ एस, आउटपुट क्या लिए हैं, सी ऑफ एस, सी ऑफ एस, एंड फीडबैक पाथ क्या है, एच ऑफ एस, एच ऑफ एस। सो हमको इस फॉर्म में लिखना है दैट सी ऑफ एस और आर ऑफ एस, हमको इस पूरे टर्म को इस सिंपल ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है। नाउ यहाँ पे जो आउटपुट इनपुट माइनस जो आउटपुट बना रहा है दैट इज़ एरर, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई ऑफ एस से, और यहाँ पे जो फीडबैक पाथ हमें आ रहा है ट्रांसड्यूसर का जो सिग्नल, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी ऑफ एस से। नाउ यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन क्या बनता है, दैट इनपुट आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस, ये क्या बना रहा है, एरर ई ऑफ एस। एंड अगर हम सेकेंड इक्वेशन लिखें, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, अगर हम सेकेंड इक्वेशन लिखें दैट इज़ बिटवीन ई ऑफ एस एंड सी ऑफ एस, सो आउटपुट सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई इनपुट ई ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हुआ। एंड थर्ड इक्वेशन इज बी ऑफ एस आउटपुट, ये फीडबैक पाथ में हम बना रहे हैं, सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बी ऑफ एस एंड सी ऑफ एस, सो आउटपुट बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई सी ऑफ एस इज इक्वल टू एच ऑफ एस, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। नाउ वी विल पुट दिस टू सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन, सो वी विल गेट आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस, बी ऑफ एस इज सी ऑफ एस इन टू एच ऑफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस, सो ई ऑफ एस कैन बी रिटन एज सी ऑफ एस बाई जी ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन टू। नाउ वी विल पुट दिस इक्वेशन सी ऑफ एस इन राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट आर ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस बाई जी ऑफ एस प्लस सी ऑफ एस इन टू एच ऑफ एस, एंड वी विल टेक कॉमन आर ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस, वी विल टेक कॉमन वन बाई जी ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस। Now, R of S, we have to write the relationship between C of S and R of S. So, C of S divided by R of S is equal to G of S divided by 1 plus G of S into H of S. We will take LCM here and with the cross multiplication, we will get this equation. So, transfer function is equal to G of S divided by 1 plus G of S into H of S. Okay. So this is the required equation which we got, and this is for closed loop system. This is the transfer function for closed loop system. Now
here C of S by R of S is actually in this block diagram, the resultant block diagram, C of S by R of S can be written as G of S divided by 1 plus G of S into H of S. So this is the transfer function for closed loop system. Next, we will see about open loop system. So in open loop system, this is actually a conditional control system. We call open loop system as a conditional control system. और इसको हम इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं और एक कंडीशन हम लोग रखते हैं दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी डिस्टर्बेंस, ये किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से कनेक्टेड नहीं रहता है. सो यहाँ पे ये तुम्हारा एक डिस्प्ले है, ये इनलेट है और ये आउटलेट, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक कंट्रोलर, इसमें हम लोग सेट पॉइंट देते हैं, एक सेट करते हैं, और ये तुम्हारा कंट्रोल एलिमेंट है. यहाँ पे भी हमको पानी का हाइट एच मेंटेन रखना है. सो इस तरह के सिस्टम में हम लोग फॉर्मुलेट करके रखते हैं एक कंडीशन दैट सिस्टम इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से ये सिस्टम मेरा सब्जेक्टेड नहीं रहता है. सो दिस इज कंडीशनल कंट्रोल सिस्टम फॉर्मुलेटेड अंडर the condition that system is not subjected to any disturbance. Okay. Next point is इस तरह के सिस्टम में जो हमारा फीडबैक पाथ रहता है, वो किसी भी तरीके से फॉरवर्ड पाथ को कनेक्टेड नहीं रहता है. अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोलर सेट पॉइंट, हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं राइट, यहाँ से मेरा फॉरवर्ड पाथ हो गया. तो किसी भी तरह के फॉरवर्ड पाथ से कनेक्टेड नहीं रहता. यहाँ पर फीडबैक पाथ कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर फीडबैक पाथ मेरा डिस्प्ले में कनेक्टेड है. सो इन दिस सिस्टम a feedback or measurement is not connected to forward path. Or controller in case of open loop. That's why you call this as open loop, क्योंकि इसमें feedback path किसी भी forward path से connected नहीं रहता है. Third point is feedback path यहाँ पे actually हम लोग यहाँ पे elimination of feedback लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा feedback path है वो किससे connected है, एक display unit से connected है right. यहाँ पे मेरा feedback path है, ये एक display unit से connected है. ओके सो जितने भी इंफॉर्मेशन है आउटपुट के, वो हमको कहाँ मिल रहा है, डिस्प्ले यूनिट में मिल रहा है. यहाँ पे कोई भी इसका मेजर सिग्निफिकेंस है ही नहीं, यहाँ पे फीडबैक का कोई भी मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फीडबैक है वो ऑटोमेटिक कंट्रोलर में नहीं जा रहा है. जितना भी तुम्हारा जो भी तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उसको वो डिस्प्ले यूनिट में शो कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, फीडबैक इन open loop system except for displaying the information of output
एंड डू नॉट हैव मेजर सिग्निफिकेंस दिस इनसिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इज टर्म्ड एज एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक. नाउ हमारा अगला पॉइंट क्या है. अब देखो यहाँ पे हम क्या कंसीडर किए हैं. हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं कि ये इस तरह के सिस्टम में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है. ठीक है, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, ये हम कंडीशन रखे हैं. किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हम मान रहे हैं. इसका मतलब है कि ओपन लूप सिस्टम जो होता है, ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल. ठीक है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है. सो ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल देन क्लोज लूप सिस्टम. यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिए हैं, विदाउट डिस्टर्बेंस. ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेंस, ओपन लूप में भी और क्लोज लूप में भी. अब देखो हम क्यों बोल रहे हैं ये स्टेबल है. ठीक है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये इस तरह का सिस्टम मेरा स्टेबल है. इसका रीज़न ये है कि अगर तुम क्लोज लूप सिस्टम में देखोगे तो वहाँ इक्विपमेंट तुम्हारा बढ़ जाता है, तुम्हारा फीडबैक पाथ आ जाता है, तो उस तरह के सिस्टम में लैग बहुत ज़्यादा आता है. ओके, लैग आएगा, डिले आएगा, तो उस तरह के सिस्टम में डिले आएगा, इसलिए हम लोग ओपन लूप सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल समझते हैं दैन क्लोज लूप सिस्टम के. बिकॉज डिले एंड लैग रिलेटेड टू ओपन लूप सिस्टम आर लेस रिलेटेड टू कंट्रोल लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम. क्लोज लूप सिस्टम. नाउ हमारा अगला पॉइंट है दैट इस तरह के सिस्टम में हम किसी भी तरह का परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं करते हैं. ओके, पर किसी भी तरह का परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी डिस्टर्बेंस और हमेशा स्टेबल ऑपरेशन देता है. सो परफॉर्मेंस एनालिसिस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस सिस्टम बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी डिस्टर्बेंस. किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होता है एंड गिव स्टेबल ऑपरेशन. जैसे एग्जांपल ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट सिस्टम या वॉशिंग मशीन, ब्रेड टोस्टर या इनकैंडिसेंट बल्ब. नाउ ओपन लूप सिस्टम का अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखें देन यहाँ पे इनपुट है आर ऑफ एस, यहाँ पे एरर जो मेरा जनरेट होगा, बेसिकली तो हम फीडबैक पाथ कनेक्ट नहीं किए हैं तो यहाँ पे एरर जनरेट नहीं होगा. जी ऑफ एस, दिस विल गिव यू आउटपुट सी ऑफ एस. यहाँ पे फीडबैक पाथ हम नहीं ले रहे हैं ओके, लेकिन यहाँ पे बना दे रहे हैं, हम बस इसको डिसकनेक्ट करके दिखा रहे हैं. बी ऑफ एस, यहाँ पे फीडबैक हम दे रहे हैं, इसको हम कनेक्ट नहीं किए हैं, फॉरवर्ड पाथ में कनेक्ट नहीं किए हैं.
सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ई ऑफ एस और बी ऑफ एस के बीच में हम रिलेशनशिप देखें तो ई ऑफ एस इज कनेक्टेड विथ जी ऑफ एस एंड दिस जी ऑफ एस इज कनेक्टेड विथ एच ऑफ एस एंड दिस इज कनेक्टेड विथ बी ऑफ एस ओके एंड दिस ई ऑफ एस इज एक्चुअली रिलेटेड विथ आर ऑफ एस एंड दिस बी ऑफ एस इज कनेक्टेड इज रिलेटेड विथ सी ऑफ एस नाउ आर ऑफ एस रिलेटेड विथ ई ऑफ एस अब यहाँ पे देखो ये सीरीज में हम इसको लगाए हैं ठीक है अगर ब्लॉक सीरीज में रहता है तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में तो यहाँ पे क्या होगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एंड दिस विल गिव यू बी ऑफ एस एंड विच इज़ रिलेटेड टू सी ऑफ एस अब यहाँ पे देखो कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है ठीक है और कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा है तो जब फीडबैक पाथ नहीं है तो हम बी ऑफ एस को सी ऑफ एस लिख सकते हैं और किसी भी तरह का एरर नहीं जनरेट हो रहा है तो हम ई ऑफ एस को आर ऑफ एस लिख सकते हैं सो दिस विल बी जी ऑफ एस इनपुट इज आर ऑफ एस एंड आउटपुट इज सी ऑफ एस क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का हम क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी तरह का एरर नहीं जनरेट हो रहा है सो दिस विल बी एलिमिनेटेड एंड आर ऑफ एस इज गिवन टू जी ऑफ एस एंड आउटपुट विल बी सी ऑफ एस सो दिस कैन बी रिटन एज आर ऑफ एस जी ऑफ एस सी ऑफ एस तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा सिर्फ जी ऑफ एस जितना भी फॉरवर्ड पाथ होगा वो तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा ओपन लूप सिस्टम में